गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हमने आपको ये बता दिया था कि आरक्षण के डिबेट में कि आरक्षण की अधिकतम कितनी सीमा होनी चाहिए। तो अब देखो, आरक्षण की सीमा हो गई 60%, यानी 2019 के बाद संघ सरकार की सेवाओं में आरक्षण की सीमा 60% हो गई। और ये सीमा क्यों जरूरी है, अगर हम देखें कि आखिर में आप कहोगे क्या तर्क है आरक्षण की सीमा निर्धारित करने का, तर्क क्या है? क्योंकि आप कई बार कह सकते हो कि नहीं सर, ये तो 100% होनी चाहिए। कई बार कोई तर्क दे सकता है कि जितनी आबादी उतनी भागीदारी, लेकिन इसमें दोस्तों समस्या ये है, क्योंकि आपको मैं याद दिला दें, आखिर में सीमा का निर्धारण क्यों आवश्यक है, क्योंकि दो बातें इसमें हमें ध्यान में रखने की है कि पहला पहला अवसर की समानता का उल्लंघन ना हो, ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि आर्टिकल 16 क्लॉज 16 के 1 में, यानी अनुच्छेद 16 खंड 1 में पहली बार देखी गई है कि राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार में अवसर की समानता। ये बात ध्यान रखो दोस्तों, अगर हम रिजर्वेशन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, अवसर की समानता का उल्लंघन हो जाएगा। अब यह समझ लो किसी ट्रेन में 90% सीट पहले से रिजर्व है, और फिर आपने कह दिया ना भाई कोई ट्रेन में यात्रा कर सकता है, तो जब 90% पहले से रिजर्वेशन है, फिर तो बाकी लोगों के अवसर हमने छीन लिए। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने तो यहां तक कह रखा है कि आखिर में अनुच्छेद 16 के खंड 4 में आरक्षण है, अनुच्छेद 16 खंड 1 में सरकारी सेवाओं में समानता है। अब जरा देखो बच्चों, दोनों टकरा जाए तो आखिर में किसको प्राथमिकता दें? तो उच्चतम न्यायालय ने तो यहां तक कहा है कि नहीं भाई, अवसर की समानता पहला पॉइंट है, यानी उच्चतम न्यायालय ने एक चौंकाने वाली बात कह दी है कि आरक्षण फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि मूल अधिकारों के साथ उसका एक सहयोगी भाग है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। इसलिए सीमा इसलिए जरूरी है कि जब हम आरक्षण की मात्रा अधिक कर देंगे तो अवसर की समानता के सिद्धांत का उल्लंघन हो जाएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, ये बात याद रखना, आरक्षण दिया गया है वंचित वर्गों के उत्थान के लिए, न कि ऊंचे वर्गों के साथ भेदभाव के लिए। और हम पहले ही बताते हैं, देखो न्याय का सिद्धांत ये नहीं कि आंख के बदले आंख का सिद्धांत, यानी किसी एक ने दूसरे की आंख फोड़ी फिर आप कहो भाई न्याय क्या है, हम भी इसकी आंख फोड़ेंगे। एक ने किसी को चाकू मारा तो न्यायाधीश कहते भाई तुम इसको चाकू मारो। दोस्तों, आंख के बदले आंख का सिद्धांत पूरी दुनिया का अंधा बना के छोड़ देगा। इसलिए कुत्ते ने हमें काट लिया, तुम कह रहे सर हम तो कुत्ते को भी काटेंगे, ये फिर न्याय का सिद्धांत नहीं दोस्तों। इसका मतलब है इसलिए सीमा जरूरी है। और दूसरा, सीमा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सेवाओं में बच्चों कुशलता भी ध्यान में हमें रखना चाहिए भाई, इफिशियंसी भी ध्यान रखी जाए। और ये बात तो बड़ी ध्यान की है कि अभी अनुच्छेद 335 पढ़ना, अनुच्छेद 335 में बात लिखी गई है कि अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण देते समय ये ध्यान में रखा जाएगा कि सरकारी सेवाओं की कुशलता प्रभावित न हो। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। इसका मतलब अनुच्छेद 335 में लिखा गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण देते समय राज्य ध्यान रखेगा कि सरकारी सेवाओं को कुशलता प्रभावित न हो। बच्चों, ये भी आप देखो, उदारीकरण का जमाना है, भूमंडलीकरण का जमाना है, कंपटीशन खत्म हो जाए तो भी ठीक नहीं है, देखिए समानता खत्म हो जाए तो भी ठीक नहीं है। अरे दोस्तों, कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो फिर नीरज चोपड़ा कहां से आएगा? कंपटीशन खत्म हो जाएगा, देखो सूर्य कुमार यादव, अरे भाई सल क्रिकेट खेल इसीलिए रहे हैं क्योंकि कुशलता है। इसका मतलब है हम एक अच्छे समाज में न तो कुशल लोगों को छोड़ेंगे और न ही वंचित लोगों को छोड़ेंगे। तो वंचित लोगों के लिए अवसर की समानता, प्रतिभाशाली लोगों के लिए कुशलता। क्योंकि प्यारे बच्चों देखो, समाज में हर व्यक्ति रहता है, इस बार आरक्षण का पूरा मामला चलता है, तो कई बार हम ऐसा कह देते हैं कि ना भाई ये अमीर आदमी है, इसकी संपत्ति छीन लो। तो सवाल है प्यारे बच्चों, अमीर आदमी की संपत्ति छीन के सबको दे ही दें तो क्या जरूरी है कि फिर वो संपत्ति वो बना पाएंगे? हो सकता है फिर वो खेल कूद के मस्त हो जाए। इसलिए दोस्तों, जीवन की फिलॉसफी अगर देखा जाए तो देखो, आपके हॉस्टल में दो बच्चे एक साथ पढ़ते होंगे,
परिवार में भी कई बार होते हैं, दो ही बहन भाई एक साथ। अच्छा ठीक है। बच्चों आपने कहा था थोड़ा राइटिंग मोटा कर दिए, मोटा कर दिए। अब ये बड़ा ध्यान देने का बच्चों विषय है, आपके हॉस्टल में देखो आपके दो भाई बहन है, आपके अब मान लो समाज का छोटा सा भाग हमारा परिवार है। अब हमने परिवार का परिवार में कह दिया एक भाई है सुबह उठा दौड़ रहा है, मेहनत कर रहा है, पढ़ लिख के आगे बढ़ गया। दूसरा भाई सुबह खर्राटे मार रहा है, पीछे हट गया। तो आप अब कहोगे ना भाई, ये खर्राटे मारने वाले भाई को जितना जो अब जिसने दौड़ा पढ़ा लिखा वो अच्छा पैसा कमाने लगा। तो आपने कहा ना भाई ये हिस्सा इसको भी दो, और बड़े भाई ने हिस्सा दे दिया, फिर बाद में गया घूम टहल के खर्च करके चलाया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात याद रखो, हमेशा हमें दोनों को ध्यान में रखना है कि भाई जो समाज में वंचित वर्ग है उनके हित को देखें, लेकिन जो समाज में आगे बढ़ रहा है उसका पैर खींचे नहीं, केकड़े जैसा व्यवहार न करें। एक केकड़ा दूसरे केकड़े की टांग खींच लेता है कि ना ना भाई मेरे दोस्त का समानता का मतलब ये नहीं समाज में सब गरीब हो जाए, ये तो सबसे आसान काम है। उत्तर कोरिया में ऐसा हो गया, सब गरीब हो जाए। हमें समाज ऐसा चाहिए जहां गरीबों को भी हम अमीर बनाए, न कि अमीरों की संपत्ति छीन के सब गरीब बना दें। और हमारे संविधान निर्माता तो दूसरा ही तरीका अपना रहे थे कि भाई सबके साथ समान व्यवहार हो, वंचितों का भी ध्यान में रखे। इसलिए दोस्तों सबका साथ सबका विकास, जरा सोच के देखो, सबका साथ सबका विश्वास, इसका मतलब कि अक्षय कुमार उनकी भी हमें चिंता है, शाहरुख खान उनकी भी चिंता है, लेकिन जो समाज में वंचित लोग हैं उनकी भी चिंता है। इसलिए सीमा का निर्धारण बड़ा जरूरी है। लेकिन आप जानते हो दोस्तों, देखो एक पॉलिटिक्स है, एक संविधान, एक राजनीति है। अब राजनीति तो ये है आपको आरक्षण की हकीकत बता दी, तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स का मतलब है कि किसी को चुनाव जीतना है। कई बार संविधान और पॉलिटिक्स में बड़ा दिलचस्प रिलेशन देखेंगे, और जब तक तो पॉलिटिक्स नहीं देखेंगे संविधान कई बार समझ में नहीं आता। और हकीकत की बात तो यह है कि 1990 में जैसे बीपी सिंह ने कहा कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण होगा, अब बाकी पार्टी को लगा बोल लो, तो बीपी सिंह सारा वोट ले गए पिछड़ों का, अब तो कोई सरकार मई नहीं पाएगा। उसी समय आडवाणी जी थे, और जैसे बीपी सिंह ने आरक्षण घोषणा की आडवाणी रथ लेकर भागे मथुरा सोमनाथ। आडवाणी जी ने कहा कसम राम की खाता हूं मंदिर वहीं बनाऊंगा। अब आडवाणी जी रथ लेकर चलने लगे, तब तक बिहार में लालू प्रसाद यादव बैठे थे। बिहार में लालू प्रसाद यादव ने समस्तीपुर में आडवाणी का रथ रोका, उससे लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिक्स चमक गई। अब आडवाणी उसी में लाइम लाइट में आ गए। तो दोस्तों ये आरक्षण के पॉलिटिक्स है, और हकीकत की बात है कि बीपी सिंह सोचते थे मेरे लोग समर्थन दे दे, बीजेपी ने सोचा, और इसलिए आवाज भी आप देखो बीजेपी ने सोचा धर्म जाति का प्रभाव बढ़ेगा, धर्म का प्रभाव थोड़ा नीचे आएगा और रथ लेके दौड़ गए। लालू यादव ने सोचा रथ रोक देंगे तो मुसलमानों का वोट हमें मिल जाएगा, वो रथ रोक दिया। ये पॉलिटिक्स है, और इसीलिए प्यारे बच्चों देखो अब पॉलिटिक्स ही आए। अब जैसे उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 103वां संविधान संशोधन संवैधानिक है, अब झारखंड ने कहा आरक्षण 80% हम दे देंगे, छत्तीसगढ़ ने कहा आरक्षण की मात्रा बढ़ा के 80% कर देंगे, पर नया डिबेट चल गया। और ये मामले बार बार उच्चतम न्यायालय में जाते रहेंगे, झगड़ा यही बना रहेगा। लेकिन आप ये निष्कर्ष दे सकते हो कि अवसर की समानता और कुशलता दोनों को बनाए रखना जरूरी है, ये झगड़े चलते रहेंगे। अच्छा हमें तो एक निष्कर्ष अंत में लिखना होता है, झगड़ा चलता रहेगा क्योंकि न्यायपालिका मामला जाता रहेगा। जो झारखंड ने आरक्षण दिया फिर न्यायपालिका मामला गया, महाराष्ट्र दिया फिर न्यायपालिका मामला गया, तो अब ये लड़ाई चलती रहेगी। और ये भी आपको याद दिला दें, अभी तो जाति जनगणना की मांग हो रही है। अब जाति जनगणना का मतलब क्या है, जिस दिन हमारे पास ये आंकड़ा आ जाएगा पिछड़ी जातियों में इनकी संख्या इतनी इतनी इनकी संख्या इतनी है, तो जरा सोचो ये हो सकता है कि पिछड़ी जाति में किसी की संख्या कम हो आरक्षण उसको ज्यादा मिल रहा हो, दोस्तों तलवारें निकल जाएंगे। इसे यकीन मानो सरकारें कई बार जाति आधार पर जनगणना प्रकाशित करने से अभी तक डर रही थी, कारण यह है। और ये आप याद रखो, इसलिए संघ सरकार ने कहा भाई हम तो नहीं करेंगे, राज्यों को जो करना हो कर लो, ये बड़ी आफत आएगी, क्योंकि अभी तुम्हारे पास पिछड़ी जातियों का आंकड़े है नहीं। और जिस दिन पता चला कि भाई इस जाति की आबादी इतनी आरक्षण इतना, इस जाति की आबादी इतनी आरक्षण इतना, एक नया संग्राम हो जाएगा।
एक नया संग्राम हो जाएगा, इसलिए पॉलिटिक्स है। जबकि हकीकत की बात है, दोस्तों निजीकरण आ रहा है, उदारीकरण आ रहा है और सरकारी सेवाओं की संख्या घट रही है, आरक्षण लेने वालों की मांग बढ़ रही है, दिलचस्प मामला है। तो ये पॉलिटिक्स भाई, हर आदमी को आरक्षण की बैसाखी लगा के चुनाव जीतना है, ये दोस्तों पॉलिटिक्स है। ये पॉलिटिक्स होता रहेगा भाई, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स तो चलेगी चलेगी। लेकिन दूसरा मुद्दा देखें तो आरक्षण की सीमा ये हमने तय कर लिया। अब जरा दूसरा मुद्दा देखें कि आरक्षण अगर ये है तो प्रोन्नति में भी होगा या केवल अपॉइंटमेंट में। आरक्षण के विवाद में दूसरा मुद्दा देखें, प्रोन्नति में होगा या विवाद में या आरंभिक नियुक्ति में। तो अब हम दूसरा मुद्दा बच्चों देखें, अब हम जरा आरक्षण का दूसरा मुद्दा देखें, आरक्षण कहाँ होना चाहिए? आरक्षण प्रोन्नति में होना चाहिए, प्रमोशन में, या पदोन्नति कह लो, प्रोन्नति कह लो, जो भी कह लो, आरक्षण पदोन्नत में होना चाहिए या आरक्षण आरंभिक नियुक्ति में? यह भी एक विवाद का मुद्दा है, ये विवाद का मुद्दा है। पहले हमने देखा है मात्रा कितनी होनी चाहिए, फिर आरक्षण कहाँ होना चाहिए। अब हकीकत की बात तो दोस्तों है कि हमारे यहां प्रोन्नत में आरक्षण जिसको मिला प्रोन्नति में जिसको आरक्षण मिला वो लोग हैं अनुसूचित जाति जनजाति। अनुसूचित जाति जनजाति के समुदाय के लोगों को प्रोन्नति में आरक्षण मिला, बाकी 1990 में ओबीसी को रिजर्वेशन मिल गया लेकिन प्रोन्नति में नहीं मिला। तो आपको वो सर, इसका मतलब क्या है? देखो, आरंभिक नियुक्ति में आरक्षण का मतलब है, बच्चों देखो आरक्षण आरंभिक नियुक्ति में कैसे होगा, ये मान लीजिए कि 2023 में एक हम एग्जाम्पल ले लें कि 2023 में 1000 वैकेंसी यूपीएससी की आ गई। अब 1000 वैकेंसी में सारे बच्चे परीक्षा देंगे और इस 1000 वैकेंसी में हमने कह दिया भाई देखो सामान्य श्रेणी में 400 वैकेंसी होगी, आरक्षित श्रेणी में जो आरक्षण की मात्रा 60% है इसलिए आरक्षित श्रेणी में 600। ये अब ये 600 में लोगों को बांट दिया जाएगा और ये अनारक्षित है, सामान्य श्रेणी की वैकेंसी है 400। ये है आरक्षण आरंभिक रूप में, जितनी कुल सेवाएं होंगी उसे बांट देंगे इंट्री लेवल पे ही, जैसे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे रिजल्ट आएगा उसी समय बांट देंगे। अच्छा, ये भी जरूरी है कि 600 आरक्षित में भी आरक्षण की श्रेणी अलग अलग है, पिछड़े वर्गों को, ईडब्ल्यूएस को, एससी एसटी को, पिछड़े वर्गों को। इसे कई बार हम कहते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन हॉरिजेंटल। अब देखो वर्टिकल का मतलब होता है, इसे आरक्षण जब आरक्षण हम करते हैं तो एक है वर्टिकल ऊर्ध्वाधर और दूसरा है क्षैतिज समानांतर। आरक्षण भी कई बार दो प्रकार का होता है। अब देखो दोस्तों वर्टिकल का मतलब क्या है? वर्टिकल का मतलब है कि भाई हमने रिजर्वेशन का वर्टिकल का मतलब है कि हमने कह दिया कि पिछड़े वर्गों को 27% मिलेगा, अनुसूचित जाति जनजाति को 22.5% मिलेगा। ये क्या है? वर्टिकल, इनको इतना मिला इतना कर। अब सवाल है हॉरिजेंटल, यानी अब कह लो कि क्षैतिज समानांतर कह लो, क्षैतिज कह लो, हॉरिजेंटल। तो ऊर्ध्व का मतलब जो ऊपर नीचे हो, ऊर्ध्वगामी ऊपर वाला हो। जैसे कई बार बच्चे पूछते उन्मूलन खत्म कर दिया जाए, तो भाई लिखने में तो हमें अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, हम ऊर्ध्वाधर को ऐसा लिखने में ऊपर नीचे यूज करेंगे तो हमें लिखने में अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इसे ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर नीचे, ऊर्ध्व ऊपर और जो ऊपर होगा उसके कोई नीचे भी होगा। लेकिन जब क्षैतिज का मतलब है आमने सामने अगल बगल, अब सवाल है 27% आरक्षण में अलग अलग जातियों को आरक्षण बांट दिया जाए, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल। कि 27% में कह दिया जाति को इतना, जाति को इतना, जाति को इतना, यानी आरक्षण में ही आरक्षण, या कह दिया जाए 27% में पिछड़ी जातियों के लिए रिजर्वेशन है लेकिन इसमें महिलाओं के लिए इतना,
पुरुषों के लिए इतना, ये है हॉरिजेंटल, आमने सामने। हॉरिजेंटल का मतलब है जैसे आप देखो हम ट्रेन में यात्रा करते हैं, तो एक हमारी पोजीशन होती है वर्टिकल, जो ट्रेन के जो ट्रेन में जो ऊपर लेटा हुआ है, जो नीचे लेटा हुआ उसके नीचे, उसके बीच संबंध क्या है, वर्टिकल संबंध है, जैसे हमारे सर और पांव के बीच में है, लेकिन हॉरिजेंटल क्या है, ये दोनों हाथ के बीच में आमने सामने है। तो जो हमारी सीट के आमने सामने बैठा है उसका रिलेशन क्या है, हॉरिजेंटल, आमने सामने। इसलिए कहा गया कि आरक्षण में भी आरक्षण दिया जा सकता है, एक ही श्रेणी में आरक्षण देना हॉरिजेंटल। अब सवाल है ये आरंभिक नियुक्ति का मतलब हो गया आरक्षण दे दिया गया, फिर आप कहोगे सर ये प्रोन्नति में क्या होता है। अब देखो दोस्तों प्रोन्नति में ये बात बता दें कि प्रोन्नति के आरक्षण का मतलब है कि मान लो कि क्योंकि प्रोन्नति में आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति को ही मिलता है, पिछड़े वर्ग को नहीं, ईडब्ल्यूएस को नहीं। अब जब प्रोन्नति में आरक्षण पिछड़ी जाति को मिलेगा, तो मान लीजिए कि बैंकिंग में क्लर्क के रूप में किसी की नियुक्ति हुई, और क्लर्क के रूप में नियुक्ति हुई वर्ष 2005 में, क्लर्क के रूप में नियुक्ति हो गई। अब उसमें आरंभिक मामला ये था कि रिजर्वेशन हो गया एससी एसटी को, यानी अगर मान लो यहां पे 100 सीट थी तो 60 सीट रिजर्व हो गई, 40 अनारक्षित थी। लेकिन चूंकि ओबीसी को भी प्रोन्नति में आरक्षण नहीं मिलता, इसलिए कुल मिलाकर आरक्षण प्रोन्नति मिलेगा 22.5% लोगों को, 22.5% लोगों को ही तो मिलेगा। अब मान लो कि एससी एसटी कोई व्यक्ति है क्लर्क बन गया, और उसी के साथ एक सामान्य श्रेणी का व्यक्ति है, तो जब ये होगा कि क्लर्क से बनाया जाए कैशियर, अब क्लर्क से कैशियर बनाना, अब यही तो प्रोन्नति है। तो सवाल है क्लर्क से कैशियर बनाने में, अब 2005 में अब ये जो 22 लोग आ गए अनुसूचित जाति जनजाति से, बाकी लोग जो 78 लोग आ गए सामान्य पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस बाकी लोगों में, अब सवाल है सबको प्रोन्नति। देखो प्रोन्नति में कहने का मतलब है आरक्षण तो एक बार दे दिया 22 सीट इनको, बाकी 78 सीट बाकी लोगों, कुल सीट थी 100। अब सवाल है आगे बढ़ने में, तो देखो दोस्तों अब आरक्षण नहीं होना चाहिए, वही प्रमोशन का मतलब है, अब कंपटीशन होगा, एग्जाम होगा, कुशलता होगी, और इनमें से जो भी कुशल होगा वो आगे बढ़ेगा, यही मतलब है। लेकिन जब प्रोन्नति में आरक्षण दे देंगे, इसका मतलब है कि पहले आरक्षण पहले प्रोन्नति करेंगे अनुसूचित जाति जनजाति का। अब ये व्यक्ति 2005 में अपॉइंटेड थे, वो कहा जाता है कि जिस साल हमारी नियुक्ति होगी उसी वर्ष से हमारी जूनियरिटी और सीनियरिटी तय होती है, सब लोग समान थे, इस 100 लोग समकक्ष थे, ये बिल्कुल समकक्ष थे। लेकिन जैसे इस व्यक्ति का रिजर्वेशन में पहले प्रमोशन हो गया, अब जूनियर सीनियर हो गए, क्योंकि सीनियरिटी ज्वाइनिंग से और पद दोनों से तय होती है। अब हो सकता कोई आईएएस यंग एज में बने, लेकिन पीसीएस 10 साल से नौकरी कर रहा है, तो भाई आईएएस अपने आप सीनियर हो गया, बड़े पद पर है। इसलिए हुआ क्या, हमने 2008 में अनुसूचित जाति जनजाति के सिवा तो कैशियर बना दिया, इसलिए एक ही बैच में काम करने वाले लोग जूनियर और सीनियर हो गए, एक ही बैच में काम करवा जूनियर सीनियर हो गए। इतना ही नहीं, अब फिर अगला आया कि मैनेजर के रूप में अपॉइंटमेंट, तो फिर इसी व्यक्ति को प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि ये 2005 में ये लोग थे, तो बाकी श्रेणी के लोग तभी क्लर्क ही बने हुए हैं, लेकिन हमने अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को प्रमोट कर दिया। एक प्रमोशन मिला, अगला प्रमोशन की बारी आई है मैनेजर, तो स्वाभाविक रूप में जो ये व्यक्ति तो यही रह गया क्लर्क के रूप में, तो मैनेजर की दावेदारी इसी की होगी जो कैशियर है, इसीलिए फिर इसको प्रमोट कर दिया गया, मैनेजर हो गया। 2012 में इसको फिर प्रमोट कर दिया गया। अब जरा सोच के देखो, यही है प्रोन्नति में आरक्षण दोस्तों, एक ही बैच में जो लोग थे वो जूनियर सीनियर बन गए। सवाल यह है कि यार आप कहोगे सर ये बताओ ये तो गलत है, इसी बात पे बड़ा विवाद है कि आखिर में आरक्षण आरंभिक नियुक्ति में है, यहां तक तो ठीक है भाई, ठीक है हमने एक मामला बालिक समाज के हर वर्ग को मौका दे देंगे, अरे भाई उसके बाद तो आप कंपटीशन करो, उसके बाद आगे बढ़ो, लेकिन आरक्षण प्रोन्नति में होना चाहिए, उसके पीछे तर्क क्या दिया गया कि भाई देखिए अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार लेट में पढ़ते हैं, बाद में एंट्री करते हैं,
जो रिटायरमेंट केस थे सबकी सेम है दोस्तों। सरकारी सेवाओं में प्रवेश के लिए उम्र अलग अलग हो सकता है। मैंने सोची जाति जनजाति के लोग हमको उम्र में छूट है, तो पता चला कोई व्यक्ति 22 साल में क्लर्क बन गया, कोई 32 साल में बना। जो 32 साल में बनेगा ऊपर नहीं जा पाएगा, तो लोगों ने कहा भाई देखो अब प्रमोशन करो इनको भी ऊपर ले आओ। ये उसके पीछे तर्क है, लेकिन उसके पीछे आलोचना ये है कि अरे भाई ये बताओ आरक्षण क्यों दे रहे हैं, वंचित वर्गों को उत्थान के लिए या उन्हें नया शोषक वर्ग बनाने के लिए? अब ये बड़ा विवाद हो जाता है। और दोस्तों अगर प्रोन्नत में भी आरक्षण दे रहे हैं कुशलता ध्वस्त हो जाएगी, फिर कोई क्यों काम करेगा? क्योंकि आरक्षण अगर जाति के आधार पर मिलता चला गया फिर तो परफॉर्मेंस कोई बेस नहीं रहा, एग्जाम का मतलब नहीं है, तो बाकी लोग उसके अधीन क्यों काम करेंगे जो एक ही बैचमेट थे? ये उसके खिलाफत में तर्क है और इसलिए हकीकत की बात है दोस्तों। देखो आरक्षण दे दिया यहां तक तो ठीक है, अब प्रोन्नत में भी आप आरक्षण दोगे तो ऐसा लगता है आरक्षण के बहाने आप किसी को उठाने का प्रयास कम कर रहे हो, दूसरे को दबाने का प्रयास ज्यादा कर रहे हो, उसका विरोध भी इतना तेज आएगा। इसलिए हमने कहा शोषण कोई भी ठीक नहीं है। अब जरा सोचो इसलिए मामला उच्चतम न्यायालय में चला गया, क्योंकि यूपी में एक बड़ा जबरदस्त मामला आया। यूपी में दो जूनियर इंजीनियर थे, साथ ही एक साल से नौकरी ज्वाइन की, लेकिन आरक्षित अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति चीफ इंजीनियर बन गया जो उस डिपार्टमेंट का सर्वोच्च पद है, और बाकी लोग जूनियर इंजीनियर ही बने रह गए। तो उच्चतम न्यायालय में चले गए, उनका भाई हम काम क्यों करें, माई लॉर्ड हम काम क्यों करें बताओ। इसलिए अब उच्चतम न्यायालय की बारी आई और फिर संयोग का मुद्दा है। आप जानते हैं जब हमारे किसी भी संविधान के मुद्दे पर विवाद होगा तो यहां पर फिर उच्चतम न्यायालय आएगा, और मामला हमारा एक ही है प्रोन्नत में आरक्षण। अब जैसे मामला उच्चतम न्यायालय में गया, उच्चतम न्यायालय का और उच्चतम न्यायालय का मामला कौन सा था? फिर वही बात, इंदिरा साहनीवाद। और ये 1992 वाला इंदिरा साहनीवाद, और दोस्तों ये 1992, ओ माय गॉड क्या ईयर है। भारतीय फिल्मों में एक नया अभिनेता सलमान खान आ रहा था, यही वर्ष है जब मैंने प्यार किया फिल्म आई। इन्हें सलमान खान शाहरुख खान भारतीय फिल्मों में नए अभिनेता बन रहे थे, उदारीकरण का दौर आ रहा था 92। और इसी 92 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रोन्नत में आरक्षण असंवैधानिक है। उच्चतम न्यायालय ने कह दिया प्रोन्नत में आरक्षण असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, रद्द कर दिया। और तर्क वही दिया कि नहीं नहीं भाई, अब एक बात याद रखिए, संविधान की व्याख्या करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय की, और दोस्तों उच्चतम न्यायालय कोई पार्टी से तो है नहीं। हमारे यहाँ पार्टी के लोग तो अपने अपने हितों को देखते चुनाव जीतना, उच्चतम न्यायालय का चुनाव तो जीतना नहीं है। इसे कहा जाता है कि उच्चतम न्यायालय एक तटस्थ संस्था है और संविधान की जो व्याख्या करे उसे हमें मानना चाहिए। अब उच्चतम न्यायालय की बात नहीं मानेंगे दोस्तों, ठीक ठीक वैसा होगा कि हम खेल रहे हैं, अंपायर ने कहा दिया आउट, हमने कहा नो आउट, नॉट आउट। अब देखो दोस्तों फिर तो विवाद होगा, अरे अंपायर को तो मानना पड़ेगा। और हमारे यहाँ कई बार विवाद इस बात पे होता है, इसलिए प्रोन्नति में आरक्षण असंवैधानिक है। उच्चतम न्यायालय ने कहा अरे भाई आरक्षण आरंभिक नियुक्ति के लिए है, प्रोन्नति के लिए नहीं है, ये कुशलता खिलाफ है, ये अवसर की समानता खिलाफ है। क्योंकि अवसर की समानता का मतलब है कि रोजगार में जाने पे भी आपको समानता मिलनी चाहिए और आप नहीं दे रहे हो। लेकिन अब देखो आप कहोगे सर अब उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया, उच्चतम न्यायालय का निर्णय बाध्यकारी होता है दोस्तों, ध्यान में रखने की है। चंचूर साहब सलाह नहीं देते, वो कहते हैं मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, उसका वो एक्सेप्शन नहीं है कि आप मर मर्जी होगी तो मानोगे, नहीं। उच्चतम न्यायालय निर्णय दे दिया, लेकिन उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिवर्तन का एक तरीका है, एक माध्यम है, तो वो माध्यम है संविधान संशोधन। मैं अलग से ही पढ़ना है और संसद के पास संविधान संशोधन की शक्ति है, तो अब क्या वो उच्चतम न्यायालय का प्रोन्नति में आरक्षण नहीं होगा? यानी अनुसूचित जाति जनजाति को मिलने वाला प्रोन्नति में आरक्षण खत्म हो गया, और फिर पॉलिटिक्स का मुद्दा बना, क्योंकि और पॉलिटिक्स तो ही आरक्षण में करना। देखो डॉक्टर साहब ने कहा था, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि आरक्षण तो सामाजिक न्याय के लिए है, लेकिन खूब पॉलिटिक्स हुई। अभी बात हुई कि इसलिए हमारे यहाँ
77वां संविधान संशोधन आ गया, 77वां संविधान संशोधन, और ईयर 1995। मेरे दोस्तों, अगर इंदिरा सानी केस ना था तो 77वां संविधान संशोधन ना था, अगर प्रोन्नति में आरक्षण को असंवैधानिक न करा दिया जाता तो 77वां संविधान संशोधन नहीं आता, ये 1995 नरसिंह राव की सरकार। और मेरे बच्चों, क्या किस्मत का खेल है, देखो कई कई बार तो हमारे देश में ऐसे लोग प्रधानमंत्री बन गए हैं जो कभी नहीं चाहा, इसलिए खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करते रहो, कभी मत सोचो ये मिलेगा वो, कई बार तो ऐसा मिल जाएगा जो सोच नहीं पाओगे। ये विकी कौशल को देख लेना, बहुत लोगों ने सोचा था क्या क्या मिल जाएगा, मिल गया विकी कौशल को। मेरे बच्चों, दो जीवन की यही कहानी है और हकीकत की बात है, नरसिंह राव प्रधानमंत्री इसमें 1995 में थे, कांग्रेस की सरकार थी। क्योंकि कभी तथ्य को याद करो तो चीजों को देख लो कि उस समय क्या माहौल चल रहा था। और नरसिंह राव के बारे में कहा जाता है कि वो जब जीवन से रिटायरमेंट ले रहे थे, क्योंकि 84 में राजीव गांधी चुनाव जीत गए, यंग आदमी थे, 44 साल में प्रधानमंत्री बन गए, और जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, नरसिंह राव वरिष्ठ नेता आंध्र प्रदेश के, 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके थे, तो राजीव गांधी ने कहा नरसिंहा जी अब ऐसे आराम करिए, आप लोगों को पार्टी में कुछ अलग व्यवस्था दी जाएगी, अब आप छोड़ दीजिए सब चुनाव ना वाला मामला, ये सब युवा नेता को दिया जाएगा। नरसिंह राव जी ने कहा ठीक है भाई, जैसा बॉस का आदेश। तो नरसिंह राव ने कहा भाई सामान उमान बुरी बिस्तर बांधो, चलो आंध्र हैदराबाद। तब तक दोस्तों, उस समय बड़े तांत्रिक थे चंद्रस्वामी उस समय बड़े तांत्रिक थे, नरसिंह राव गुरु, और चंद्रस्वामी नरसिंह राव घर पे आए, उन्होंने कहा नरसिंहा ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा देखो बॉस का ऑर्डर है, अब चलना है आंध्र प्रदेश, एक नई जिम्मेदारी दी जाएगी। और यकीन मानो दोस्तों, चंद्रस्वामी ने कहा अरे अरे कैसे बात कर रहे हो, अरे आप प्रधानमंत्री बनने वाले हो, आपके कुंडली में तो प्रधानमंत्री का योग चल रहा है। इस बात को सुनकर नरसिंह राव बिल्कुल भावचक रह गए, उन्होंने कहा अरे गुरु जी क्या बात कर रहे हो, मैं कैसे प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, मेरा बॉस ही बैठा हुआ है। और संयुक्त चंद्रस्वामी ने कहा ना मैं ये नहीं जानता क्या है, लेकिन कुंडली तुम्हारी कह रही है। इसे दोस्तों राजनेता कुंडली पर बहुत विश्वास करते हैं। और देखो हुआ क्या कि चंद्रस्वामी ने कहा कैसा नरसिंह राव जी आधा सामान आप ले जाइए, आधा सामान ही छोड़ दीजिए, उसके बाद हम अपने देखना किसकी बात सही है। और दोस्तों हुआ ये कि राजीव गांधी 89 में चुनाव हुआ, हार गए, उसके बाद 1990 में वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, उसी दौरान तमिलनाडु के परम्बूर में उनकी हत्या हो गई, और उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी जीत गई, और कांग्रेस पार्टी जीती तो कौन नरसिंह राव के पास गया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, राजीव गांधी थे नहीं, सोनिया गांधी इंटरेस्टेड नहीं थी, नरसिंह राव को जैसे कॉल गया उनका अरे भाई गुरु जी मैं तो मान गए आपको। तो दोस्तों ये कहानी है नरसिंह राव के प्रधानमंत्री बनने की, और उस समय ये संविधान संशोधन था 77, और 77 संविधान संशोधन हुआ क्या, अब इसको तो पलटना था, इसलिए अनुच्छेद 16 का खंड 4 का सब क्लॉज बी जोड़ा गया। अनुच्छेद 16 का खंड 4 तो पहले से था, अनुच्छेद 16 का क्लॉज 4 सब क्लॉज बी जोड़ दिया गया, और यह कहा गया कि प्रोन्नत में आरक्षण बना रहेगा। प्रोन्नत में आरक्षण बना रहेगा, इसका मतलब है इंदिरा साहनी के निर्णय को संसद ने संविधान संशोधन से बदल दिया। दूसरी बात, अप्रोन्नत में आरक्षण बना रहेगा, ये बात हो गई, और बिल्कुल उसमें एक और भी बात लिख दी गई, प्रोन्नत में आरक्षण बना रहेगा और अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों को पारिणामिक वरिष्ठता का लाभ भी मिलेगा, कॉन्सेप्शनल सीनियोरिटी भी मिलेगी। आप कहोगे सर ये क्या है, पारिणामिक वरिष्ठता का लाभ मिलेगा, ये बात आर्टिकल 16 क्लॉज 4 सब क्लॉज बी में है। देखो दोस्तों,
एक बार के परिणाम स्वरूप कोई और घटना हो जाए, परिणामिक, एक साइकिल गिरा है दूसरी गिर गई, परिणामिक, एक के छींक आने पर चार लोगों को छींक आ जाए, परिणामिक। इसका मतलब परिणामिक बरिष्ठता का मतलब देखना हो तो बच्चों देखो, ये एक बार बरिष्ठता, दो बार बरिष्ठता, बार बार बरिष्ठता, परिणामिक, कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंसियल। एक बार जिसको वरीयता मिल गई, एक बार जिसको आरक्षण मिल गया, एक बार नहीं बार बार उसी को मिलेगा, ये है परिणामिक। तो अब रास्ता साफ हो गया और नरसिंह राव ने कहा देखो भाई, हम भी अनुसूचित जाति जनजाति के समर्थक हैं, हम भी सामाजिक न्याय करते हैं, क्योंकि बीपी सिंह ने आरक्षण दिया तो नरसिंह राव ने इसको और थोड़ा आगे बढ़ा दिया, इसलिए अब बात सिद्ध हो गई। अब ये हो गया, चलो भाई हमने आरक्षण दे दिया, अब तो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, हर पार्टी, अब देखो हर पार्टी सत्ता में आ रही है, एक ही बात करेगी, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, पॉलिटिक्स है, क्योंकि इन्हीं से सरकार बननी है बच्चों, इनका समर्थन नहीं होगा सरकार में कोई कैसे आएगा, ये पॉलिटिक्स है। अब ये बात हो गई, उसके बाद लेकिन जानते हो विवाद तो रुकता नहीं। अब जब संविधान से किसी न्यायालय के निर्णय को बदला जाएगा तो हो सकता है कि संसद किसी विवाद को राजनीतिक रूप में बदल दे। भाई संसद तो पार्टी का इंस्टीट्यूशन है, पार्टी के हित संविधान के हित के जैसे हो जरूरी नहीं है दोस्तों, ये बच्चा झगड़ा आज भी चलता रहता है। संसद के लोग कह रहे हैं ना ना, हम जो बात कहते हैं न्यायपालिका कैसे बदल देती है, न्यायपालिका कौन है? तो रे भाइयों, न्यायपालिका को शक्ति हमारे संविधान ने दी है, न्यायपालिका को शक्ति संसद से नहीं मिली है बच्चों, कि संसद बताएगी उसको क्या शक्ति होनी चाहिए। अब चूंकि न्यायपालिका निर्वाचित संस्था नहीं है, अब उनको तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अधिकार है नहीं, इसलिए बेचारे को जो उनको बोलना है निर्णय के द्वारा बोल पाते हैं, इसलिए संसद के लोग बार बार आरोप लगाते रहते हैं भाई ये कौन सा है कि आप हम जो कहते हैं बदल देते हो आप। तो सवाल है, ये देश संविधान से चलता है, पार्टी से नहीं, इसलिए कई बार पार्टी बताने का प्रयास करते हैं जो हम कहे वही संविधान है, जो हम कहे वही देश से देश चलेगा, तो ये हमारी खास बात है। इसलिए फिर मामला न्यायपालिका में गया, भाई आपको अगर संविधान के संशोधन की शक्ति है तो हमारे यहाँ जस्टिस चंचूड़ क्या करते हैं, संविधान की रक्षा, यही तो हमारे संविधान ने दिया है कि भैया जस्टिस चंचूड़ महोदय आप संविधान की रक्षा करते रहो, कोई छेड़खानी कर ना पाए, और कोई छेड़खानी करेगा इसको रद्द करो। इसलिए संविधान संशोधन हुआ, दोबारा फिर मामला न्यायपालिका पहुंच गया। तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर संसद को संशोधन करने का अधिकार है तो उच्चतम न्यायालय इसीलिए तो बैठा है दोस्तों कि वो आपके कामों पर निगरानी रखे, आपने कह दिया वो मान लेगा जरूरी थोड़ी है। तो हुआ क्या, फिर आरक्षण प्रोन्नति में आरक्षण का मामला फिर विवाद में आ गया, उच्चतम न्यायालय में दोबारा मामला गया, और दोबारा मामला फिर यह आया नागराजनवाद। नागराजनवाद में 2006 में फिर मामला गया, नागराजन केस में फिर मामला गया, और एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं प्रोन्नति में आरक्षण नहीं है, नहीं मिलना चाहिए, ये संविधान खिलाफ है, अवसर की समानता खिलाफ है, कुशलता खिलाफ है। न्यायपालिका ने कहा अच्छा न्यायपालिका, अब देखो न्यायपालिका दोस्तों कुछ कहे तो समस्या, न कहे तो समस्या। और दोस्तों न्यायपालिका की समस्या तो ऐसी है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। तो न्यायपालिका इधर कहे तो समस्या, इनका साथ ले तो समस्या। इसलिए नागराजनवाद में न्यायपालिका ने कहा देखो भाई प्रोन्नत में आरक्षण दो, लेकिन उसके लिए शर्त लगा दी। न्यायपालिका ने कहा कि आप प्रोन्नत में आरक्षण दोगे, बस शर्त उसके लिए कुछ कंडीशन है, और कंडीशन पहली कि पहला हमें ये बताओ कि प्रोन्नत में आरक्षण तो है लेकिन क्या इससे सेवाओं की कुशलता प्रभावित नहीं हो रही है। तो न्यायपालिका ने कहा दोस्त हमें तीन कारण बताओ, क्या इससे सेवाओं की कुशलता प्रभावित नहीं होगी, दूसरा बताओ कि क्या अभी भी जिनको आप प्रोन्नति में आरक्षण दे रहे हो यानी अनुसूचित जातियों जनजातियों का प्रतिनिधित्व तो अपर्याप्त है।
अभी भी उनका प्रतिनिधित्व तो इनसफिशियंट है, आखिर आरक्षण दे क्यों रहे हो? और तीसरा कि क्या अभी भी वो पिछड़े हैं? अब ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इसका मतलब है आपको जो सेवा में था तब भी पिछड़ा है, नौकरी में नहीं था तब भी पिछड़ा है। तो अरे प्यारे बच्चों, आरक्षण तो इसलिए दिया गया कि हमारी कंडीशन कुछ आगे बढ़े, और यहाँ तो हकीकत है कि सेवा में थे तब भी पिछड़े थे और सेवा में नहीं है तब भी पिछड़े हैं, तो आखिर में आरक्षण का फायदा क्या हुआ और कब अगड़े होंगे? इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे कि विवाद का विषय आया, ये विवाद का विषय है। और इसलिए कहा गया कि नहीं भाई, तीन क्राइटेरिया लाओ हमें बताओ, और सरकार के पास कोई आंकड़ा है नहीं। सरकार तो भाई, सरकार को चुनाव जीतना है, सरकार को सबको खुश करना है। अच्छा पैदर को दोस्तों, न्यायपालिका का काम सबको खुश करना नहीं है? अरे न्यायपालिका को चुनाव थोड़ी जीतना है, न्यायपालिका को सच्ची सच्ची बात करनी है। लेकिन संसद काम तो सबको खुश करना है, और पॉलिटिकल पार्टी के लोग दोस्तों कभी किसी को नाराज नहीं करना चाहते। जब भी आप पूछोगे सर हमें आरक्षण चाहिए, पार्टी के ले लो, और पार्टी के लोगों को पता है कि अरे भैया कल न्यायपालिका उसे रद्द करेगा तो हमारा क्या जाता है यार, इनको चुनाव तो लड़ना नहीं है। लोग न्यायपालिका से नाराज हो जाए चलेगा, इसे न्यायपालिका का ना भाई, ये बताओ ये तीन कारण ऐसा क्या है बताओ? और आज भी वो सरकार के पास ये तीनों आंकड़े नहीं है कि आखिर में आप अगर प्रोन्नति में रिजर्वेशन दे रहे हैं क्यों, क्या उनका कुशलता प्रभावित नहीं होगी, क्या उनका रिप्रेजेंटेशन सेवाओं में अभी अपर्याप्त है, और क्या वो अभी भी पिछड़े हैं? पहले बताओ तीन बात। यदि आज भी प्रोन्नति में आरक्षण का मुद्दा रुका हुआ है, आज ही प्रोन्नति में आरक्षण का मुद्दा रुका हुआ है और बार बार इस पे विवाद कोई ना कोई आ ही जाता है। तीसरा मुद्दा, अब जरा देखें इसका मतलब, हमने विवाद में किन किन चीजों को देखा दोस्त? तो पहले हमने ये देख लिया कि आरक्षण की सीमा कितनी है, फिर हमने ये देख लिया कि आरक्षण प्रोन्नति में होगा आरंभिक नियुक्ति में होगा, इसका मतलब अभी तक जो हमें समीकरण मिला उससे ऐसा पता होता है कि दो बातें हमें पता चल गई, सीमा कितनी है और आरंभिक नियुक्ति में आरक्षण होगा प्रोन्नति में नहीं होगा। अब तीसरा सवाल जरा देखें कि क्या सही में आरक्षण की सीमा को 60% ही रखा जाएगा? क्योंकि एक और समस्या आई, और अगली सीमा क्या है, अगला चैलेंज क्या है आरक्षण के बारे में, कि क्या आरक्षण, क्योंकि आरक्षण का ये सिद्धांत बैकलॉग वैकेंसी के लिए भी एक जैसा होगा। आरक्षण का सिद्धांत बैकलॉग के लिए भी जैसा होगा, जो सबको बैकलॉग किया है, यानी कई बार ऐसा हो सकता है कि मान लो कि आरक्षण का दूसरा विवाद है कि बैकलॉग, बैकलॉग कह लो या कह लो पिछली रिक्तियां, तो आरक्षण में एक समस्या आती है। बैकलॉग का मतलब क्या है, इससे आप ऐसे देखो कि मान लो कि हमने 2020 में कोई रिक्ति निकाली, वैकेंसी निकाली, और उसमें कहा कि 60 सीटें हमने विश्वविद्यालय में निकाली, और 60 सीटें हमने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित कर दी, यानी कुल मिलाकर जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित की गई 60 सीटें थी। मान लीजिए पिछड़े वर्गों के लिए, हम एग्जाम्पल इसलिए नहीं दे रहे, पिछड़े वर्गों की रिक्तियां खाली होती नहीं, कई बार ऐसा होता है कि अनुसूचित जाति जनजाति को दी गए आरक्षण भर नहीं पाते, आरक्षण दे दिया गया भरा नहीं जा पाया, सीट खाली रह गई, तो 60 जो आर सीटें उन्हें दी गई थी उनमें 20 सीटें नहीं भरी पाई, तो 20 सीटें बैकलॉग कहलाएंगी। जो सीट आरक्षण में भरी नहीं जा पाई वो क्या कहलाएगी, बैकलॉग। जो 60 सीटों में भाई 60 सीटें आरक्षित थी और 20 सीटें बच गई, यानी 40 भरी गई, 40 भर ली गई, 40 उम्मीदवार हमें मिल गए और 20 उम्मीदवार नहीं मिल पाए, अब हम क्या करेंगे? अब 2021 में कोई वैकेंसी आई, तो 2021 में जो वैकेंसी आई हम क्या करेंगे, ये 20 सीटों को फिर 2021 में भरा जाएगा, यही बात तो है। अब हम 2021 में ये 20 सीटें जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए थी, इसको हमने क्या कर दिया, कैरी फॉरवर्ड कर दिया, आगे बढ़ा दिया।
इसे हिंदी में कहिए आगे ले जाने का नियम, कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब हमने इन 20 सीटों क्या करिए, कैरी फॉरवर्ड कर दिया। और इंदिरा साहनी बाद में फिर उच्चतम न्यायालय ने कहा था, उच्चतम न्यायालय से पूछा भी गया भाई ये बताओ अगर कोई सीट बच जाए जो आरक्षित श्रेणी की है तो आप कहोगे कि क्या बैकलॉग सर ओबीसी में भी होती है? हाँ हो सकती है, ओबीसी में सीटें सामान्यतः भर जाती हैं। एससी एसटी में कुछ ऐसा होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है किसी डिपार्टमेंट में कि सीटें ना भरी जा पाए, तो न भरी जा पाए भाई तो रिजर्व कैटेगरी सीट है। तो इंदिरा साहनी केस में उच्चतम न्यायालय से पूछा गया क्या क्या आप कैरी फॉरवर्ड के रूल को मानोगे? उच्चतम न्यायालय ने कहा हाँ ये नियम सही है क्योंकि आरक्षित वर्ग की सीटों को अगले साल भरा जा सकता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी केस में यह कह दिया कि जब अब इंदिरा साहनी केस में कहा गया कि आरक्षित सीटों को भरो कैरी फॉरवर्ड करो, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी केस में कहा यानी आप समझ सकते हो कि ये कितना केस महत्वपूर्ण है, इंदिरा साहनी वाद में कहा कि कैरी फॉरवर्ड का नियम ठीक है, लेकिन उच्चतम न्यायालय इंदिरा साहनी वाद में कहा कि कैरी फॉरवर्ड आगे ले जाने का नियम ठीक है। किसको कैरी फॉरवर्ड किया जाए? आरक्षित सीटों, कैरी फॉरवर्ड का नियम ठीक है लेकिन आरक्षण की मात्रा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षण की मात्रा 50% से अधिक नहीं होगी। अब ये बात कह दी गई आरक्षण की मात्रा 50% से अधिक नहीं होगी, फिर कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। अब सोलो इसमें कठिनाई आ गई। अब कठिनाई ये आ गई क्या फायदा कैरी फॉरवर्ड करने का, अभी 20 सीटें रिजर्व कैटेगरी थी की थी, तो रिजर्व कैटेगरी की 20 सीटें ही बूस्ट 20 पूरी सीटें मिलनी चाहिए। कैरी फॉरवर्ड हमने जब 20 सीटों किया तो 20 सीटों में तो पूरी 20 सीट रिजर्व होनी चाहिए एससी एसटी के लिए। उच्चतम न्यायालय ना 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 भाई आरक्षण की सीमा 50% ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब है 20 में आधी सीट तो हमें एससी एसटी को मिलेगी, आधी सीट बाकी लोगों को मिलेगी क्योंकि 20 के 20 रिजर्व कर देंगे तो आरक्षण की मात्रा 100% हो जाएगी। अब एक दुविधा बड़ी बात आ गई, इसलिए यहां पर ये काम बनता था कि संविधान में संशोधन हुआ और उसको कोई चैलेंज नहीं किया गया, कोई तार्किक बात थी। इसका मतलब है कि संविधान में बदलाव हमेशा केवल राजनीतिक वजहों से नहीं होता, कई बार बदलाव बदले वाजिब होते हैं, बिल्कुल सही होते। क्योंकि आप देखो फिर समस्या, आपने कह दिया भाई कैरी फॉरवर्ड कर लो जो पिछली वैकेंसियां हैं, लेकिन करो क्या, क्या 50% ही रिजर्वेशन दोगे? इसका मतलब रिजर्व कैटेगरी के लोगों को घाटा हुआ। अब इसका समाधान यह ढूंढा गया कि फिर संविधान संशोधन 81वां, अब इस मामले को खत्म करने के लिए 81वां संविधान संशोधन लाया गया। यानी कहीं ना कहीं फिर से चेंज हुआ, 81वां संविधान संशोधन। दोस्तों अब आपको बताए ईयर 2000, और 2000 में प्रधानमंत्री, ये 2000 बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है, नया साल नया दशक नई शताब्दी, और इसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। अभी कमाल की बात है दोस्तों, जब 1998 में हुआ कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा तो कहा जाता है कि आडवाणी का नाम सबसे पहले आ रहा था। लेकिन दोस्तों एक खास बात आपको बता दें, यूपी के लोगों को बड़ा फायदा है, इतिहास ये बताता है कि अभी तक जितने शक्तिशाली प्रधानमंत्री हुए हैं यूपी से हुए हैं। अब याद करके देख लो, और सच मानो इसीलिए मोदी ने बड़ोदरा की सीट को वाराणसी में चेंज कर दिया, यही पॉलिटिक्स है। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं दोस्तों, गुजराती होना, व्यापारी कोई गुजराती हो सकता है, पॉलिटिक्स में उसके लिए प्रॉब्लम है। आडवाणी गुजरात के, पहला वाजपेयी चुनाव लड़ते थे यूपी से, वो भी है एमपी के, वाजपेयी पैदाशी थी एमपी से है, चुनाव लड़ते थे यूपी से,
और दूसरी घटना उसमें यह आ गई कि 1996 में एक बड़ा विनीत नारायण का मामला आया उच्चतम न्यायालय में, जिसे हम लोकप्रिय तौर पर हवाला केस के नाम से जानते हैं, और उसमें आडवाणी का नाम आ गया। अब विपक्षी दलों का भैया आडवाणी के नाम पर हमें आपत्ति है, ये तो करप्शन का मामला है, इसके ऊपर करप्शन का आरोप है, प्रधानमंत्री कैसे बन पाएगा? यानी दोस्तों, बनना तो किसी और को, बन गया कोई और, फिर कहानी आप देखिए। तो कहा जाता है कि आडवाणी प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवार थे, दोस्तों हकीकत कहानी तो ये है, आडवाणी राष्ट्रपति भी नहीं बन पाए, ये देखिए किस्मत का खेल। पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो किस्मत का खेल, कमाल की बात है यार ये। इसलिए 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए। अब आप जान ये तो बात याद रखो दोस्तों, 90 के बाद जो भी आए इंडियन पॉलिटिक्स में, जो भी आएगा वो इसी बात पे कह रहा है कि मैं भी पिछड़ा, मैं भी अनुसूचित जाति जनजाति का समर्थक, चुनाव जीतना है उसका, कौन से पंगा लेगा। अब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा भाई हम भी कुछ संशोधन करते हैं, ऐसे कैसे होगा, सब कांग्रेस ने किया, सब बीपीसी ने किया, बीजेपी तो और दलितों की समर्थक है, आरक्षण की समर्थक है, और इसलिए 2000 में संशोधन हुआ। अब जुड़ गया अनुच्छेद 16(4) का खंड भी, अब जुड़ गया अनुच्छेद 16(4) का खंड भी, और कहा क्या गया कि बैकलॉग सीटों के लिए 100% आरक्षण होगा, सिंपल सी बात है, और कह दिया गया कि बैकलॉग सीट के लिए 100% आरक्षण होगा। यानी बात को ऐसे कहिए कि ये 50% की सीमा लागू नहीं होगी, ये बात कह दी गई आर्टिकल 16 क्लॉज 4B में। तो दोस्तों इसीलिए मंडल इंदिरा साहनी वाद ना आया होता तो न तो अनुच्छेद 16(4) ए आता और न अनुच्छेद 16(4) का क्लॉज बी आता। तो ये दोनों बातें चल गई और मामला आगे बढ़ गया। इसलिए अब ये बात है कि आरक्षण में तीसरा जवाब भी हमें मिल गया कि बैकलॉग वैकेंसी को 100% रिजर्व किया जा सकता है, मामला खत्म हो गया। अगला मामला है जो अंतिम है, इन्होंने सीमा देख ली, आरक्षण किसको मिलना चाहिए ये देख लिया, और फिर मात्रा कितनी होनी चाहिए, प्रोन्नत में होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, ये भी देख लिया। अब जो लास्ट वाला मामला है वो फिर एक विवाद का विषय हुआ कि आखिर पिछड़ों में पिछड़ा कौन है, आरक्षण से संबंधित विवाद जो आया, पिछड़ा कौन है। दोस्तों आपको एक बात तो याद ही होगी कि पिछड़ों को ढूंढने के लिए काका कालेलकर कमीशन बनी, मंडल कमीशन बना, ये बात हमने पहले अनुच्छेद 15 बता रखा है, तो पुरानी बातों को भी याद रखिए। इसलिए ये तो तय हो गया था कि सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्ग, यानी कुल मिलाकर पिछड़ी जातियां ही पिछड़े वर्ग है, पिछड़ी जातियां ही पिछड़े वर्ग है, ये बात तय हो गई थी। लेकिन अब फिर एक मामला आ गया, 1990 में बीपी सिंह सरकार ने रिजर्वेशन दिया तो फिर ये मामला गया उच्चतम न्यायालय के पास, फिर इंदिरा साहनी केस का नाम आ गया। तो दोस्तों यहां पे पहली बार ये हुआ कि 1992 में इंदिरा साहनी वाद में ये बात कह दी गई कि देखो भाई पिछड़ी जाति के लोग पिछड़े वर्ग में तो हैं, लेकिन सभी पिछड़ी जाति के लोग पिछड़े वर्ग में नहीं है। इसका मतलब है अब देखो, हो सकता है कोई पिछड़ी जाति में हो लेकिन वो सेना में जनरल है, कर्नल है, कोई पिछड़ी जाति का है, आईएएस ऑफिसर बन गया, क्या उसे भी पिछड़ी जाति का माना जाए। दोस्तों ये बात ध्यान में रखने की है कि उच्चतम न्यायालय ने इसी वाद में, न्यायालय ने क्रीमी लेयर का विचार दिया, यहां न्यायालय ने क्रिमिनल, यानी क्रिमिनल संविधान में नहीं है दोस्तों, संविधान में नहीं, अनुच्छेद में नहीं है, क्रिमिनल का विचार न्यायालय ने दिया। अब क्रिमिनल का मतलब दूध के मलाई,
मलाईदार परत। तो दोस्तों मलाईदार परत का मतलब है कि भाई मलाईदार का मतलब दूध से अलग हो गया। तो दूध कौन है? पिछड़ी जाति के लोग। मलाईदार परत कौन हो गया? पिछड़ी जाति में आईएएस, पिछड़ी जाति में कर्नल जनरल। इसका मतलब आरक्षण वंचितों को मिले दोस्तों, आरक्षण शक्तिशाली को ना मिले, यही तो पर्पस है। भाई जैसे गेहूं चावल, पता चला कि गरीबों को अमीर को मिल जाए तब तो सामाजिक न्याय के खिलाफ है। ये बंगाल का मामला था, जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा मिला, उसका अपनी कोठी थी, तो गरीबों का हक मारा जाएगा। इसलिए आरक्षण पे विवाद नहीं है, आरक्षण हो ना हो विवाद इस पे नहीं है। विवाद इस बात पे है कितना किसको मिले, कितना प्रतिशत हो, प्रोन्नति मिले, विवाद इस बात को लेकर। इसलिए कभी भी एग्जाम में आ जाए तो हमेशा आप लिखिए आरक्षण का मतलब क्या है। आवश्यक है सामाजिक न्याय के लिए, समानता के लिए आवश्यक है, लेकिन विवाद किसको मिले यही तो समस्या है। इसलिए अब क्रीमिलर का विचार आ गया, इसका मतलब है उच्चतम न्यायालय ने बात कह दिया कि पिछड़ों में भी पिछड़ा है और पिछड़ों में भी अगड़ा है। पिछड़ों में पिछड़ा और पिछड़ों में अगड़ा, इसका मतलब आरक्षण किसको मिलेगा? पिछड़ों में पिछड़े को। और क्रीमिलर का मतलब है सीधे जनरल कैटेगरी। क्रीमिलर का मतलब जनरल कैटेगरी, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप देखो आर्थिक आधार पर ऐसा डिवीजन उच्चतम न्यायालय ने कर दिया। लेकिन आप कहोगे सर ये बताओ पिछड़ों को निर्धारित कैसे किया जाएगा? तो उसके लिए बाकायदा उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई इसके लिए एक आयोग बनाओ। तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय कारण इसीलिए पिछड़ों में पिछड़ा कौन है और क्रीमिलियर कौन है, इसीलिए बाकायदा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना। तय तो हो, पिछड़ा वर्ग आयोग बन गया। लेकिन एक बात आप याद दिला दे दोस्तों, अनुसूचित जाति जनजाति में क्रीमी लेयर का कोई विचार नहीं है। ध्यान रखने की है, क्रीमी लेयर का विचार पिछड़े वर्ग में है, क्रीमी लेयर का विचार पिछड़े वर्ग में है, क्योंकि यहाँ पे जाति के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है। तो जो अब जिसकी इनकम ज्यादा हो गई, जो बड़े पद पर आ गया, उनके बच्चों को आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा, क्रीमी लेयर का मतलब है। लेकिन आप कहोगे इसका मतलब दोस्तों अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्रीमिलियर नहीं है। अब ये बड़ी विडंबना का मामला है, याद रखिए दोस्तों इसका मतलब है कोई अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति अगर आईएएस भी बन गया, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्रीमिलियर का विचार नहीं है। और ये बड़े विवाद का विषय है दोस्तों। अब ये देखो, अब मामला तो यही है कि जैसे टारगेटेड सब्सिडी होती है, भाई सब्सिडी अमीर आदमी को थोड़ी मिलनी चाहिए। और कहोगे अक्षय कुमार को मुफ्त का खाना मिले तो मजाक हो जाएगा फिर तो। फिर वो सचिन तेंदुलकर को प्रधानमंत्री आवास योजना मिल जाए फिर तो हमने मजाक उड़ा दिया प्रधानमंत्री आवास योजना का। इसे दोस्तों समानता का मतलब है, न्याय का मतलब है, सबको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन पिछड़ों को या अगड़ों को। मतलब सोच के देखिए अनुसूचित जात जनजात के कितने ऐसे बच्चे भी हैं जो गांव में पले बड़े, जिनके एक सरकारी नौकरी में कोई नहीं है, उनको कोई फायदा मिल नहीं पा रहा है। इसका मतलब अनुसूचित जाति जनजाति में इसका पिता भी आईएएस, इसका माता भी आईएएस, वो भी बच्चा पिछड़ा। यानी अनुसूचित जाति जनजाति में क्रीमिलेयर नहीं होता। और इसलिए कई बार तो कहा भी जाता है दोस्तों देखो कितनी विडंबना की बात है, ऐसा चेंज होना चाहिए, ऐसा चेंज होना चाहिए भाई, क्रीमिलेयर का विचार हर जगह लगाओ। लेकिन फिर हमने कहा नेता जो हमारे राजनेता है वो कठोर निर्णय नहीं ले पाते, उनको लगता है कौन किसी को नाराज करे, कौन एक नया बवाल खड़ा कर दे। ये कई बार सामाजिक न्याय के लिए हमें कठोर निर्णय भी लेना पड़ता है। और ये मामला जब न्यायपालिका कहेगी तो लोग नाराज हो जाते हैं, कहते हैं न्यायपालिका ने ऐसा कैसे कह दिया, मैं न्यायपालिका को वोट लेना नहीं। तो न्यायपालिका संविधान की निरशीर व्याख्या करेगी। न्यायपालिका से हमने हंस की भूमिका का उम्मीद कर रखी है कि पानी और दूध में अलगाव कर दे। लेकिन अब दोस्तों देखो पॉलिटिक्स तो होती रहती है, इसलिए ये मामला भी समय समय पर विवादों में आता रहता है। और आपको निष्कर्ष बताने से पहले दोस्तों ये भी याद दिला दें कि कई बार आरक्षण में एक और विवाद आता है, फिलहाल तो नहीं है, रोस्टर का। अब देखो दोस्तों रोस्टर का सीधा मतलब है, कई जगह तो ऐसे होते हैं जैसे यूपीएससी है, कई जगह ऐसी इकट्ठे वैकेंसी आती है, हर साल वैकेंसी आएगी, आधी आधी वैकेंसी रख दिया। कई बार ऐसा होता है जो किसी कॉलेज में है, किसी यूनिवर्सिटी में है, अब कॉलेज में 5 साल बाद वैकेंसी आई हुई 2,
अब दो में कैसे रिजर्वेशन दिया जाए, बड़ा लफड़ा है, किसको दिया जाए। कॉलेज वैकेंसी आ गई, तो कॉलेज वगैरह में ऐसे आता है कि 3 साल वैकेंसी आई, दो आ रही है। रोस्टर का सिद्धांत है। अब मान लो ऐसे, वो सिंपल सी बात है, रोस्टर का मतलब है कि एक है, दो सीट है, तीन सीट है, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, मतलब 10 सीट पूरी है कॉलेज में, वैकेंसी दो है, इसलिए मैं रोस्टर बनाना पड़ता है। रोस्टर सीधा ये है, अगर पूरे कॉलेज में 10 वैकेंसी है तो आप याद रखो 10 में सबका हिस्सा मिलना चाहिए। अब 10 में रिजर्वेशन कितना है भाई, ओबीसी को है 27%, यानी ओबीसी के लिए लगभग 3 वैकेंसियां हटा दो 10 में से 3। SC ST के लिए 22.5, तो यहां भी अब मान लो कि अब SC ST के लिए 22.5% है, तो यहां कह दो कितनी आपको सीट मिल जाएगी, कुल मिला के 2 सीट मिल जाएगी। EWS के लिए 10% है, यानी कुल मिला के आपको 1 सीट मिल जाएगी, EWS की 1 सीट होगी। ये रोस्टर का सिस्टम है, बाकी जनरल कैटेगरी के लिए जाएगी। इसी को हम रोस्टर कहते हैं कि अगर 10 वैकेंसी है, अब समस्या 10 और 1 साथ निकलती, तब रोस्टर लगाने की जरूरत ना पड़ती। अभी विवाद नहीं है, कई बार न्यूज़पेपर में ऐसे मामले आते हैं, 2-3 साल पहले विवाद था, अभी तो कुछ नहीं है। तो अगर 10 वैकेंसी एक साथ आती, सीधा बांट देते भाई, आधा रिजर्व आधा गैर रिजर्व। ये सवाल है, वैकेंसी कभी एक आ रही है कभी दो आ रही है, इसलिए रोस्टर आवश्यक क्यों होता है। मान लो अब यहाँ पे ये कई बार आप देखोगे कि 5, 2, 6 वैकेंसी रिजर्व हो गई, 4 ओपन कैटेगरी में है, 4 जनरल कैटेगरी के लिए है, ये सब यहाँ रोस्टर कैसे लगेगा। तो दोस्तों अब आप देखोगे, यानी तीन, यानी पहला दो अनरिजर्व होगी, ये सामान्य श्रेणी में जाएगी, तीसरी सीट ओबीसी के लिए जाएगी, फिर छठी सीट, क्योंकि याद रखो 3 सीट मिलनी चाहिए, तो 10 में 3 जा जाएगी, छठी सीट ओबीसी के लिए, फिर नवी सीट ओबीसी के लिए। यह रोस्टर, इसका मतलब है, अब कहोगे सर ये बताओ 11 एक वैकेंसी से 10 है, तो 10 भर जाएगी, फिर अगला अगला रोस्टर फिर आएगा। जब तक ये 10 वैकेंसी नहीं भरेगी, इसी क्रम में चलता रहेगा, इसलिए अगर कोई 2 वैकेंसी निकल रही, इस क्रम में भर्ती होती है। अब आप देखोगे फिर SC ST के लिए क्या मतलब है, दूसरी सीट, यानी अगर इनको 2 सीट मिलनी है तो SC ST के लिए आप मान लो कि 2 सीट मिलनी है, तो चौथी हमने कर दी, चौथी कर दी और 8वीं कर दी, कोई भी 2 सीट आप निकाल लो। फिर हमने EWS के लिए 1 सीट मिलनी है, 1 सीट हमने कर दिया, अब 1 सीट में 10वीं सीट आप निकाल लो, EWS के लिए हो गई, और चौथी 8वीं SC ST के लिए हो गई, बाकी हो गई सामान्य कैटेगरी, यही है रोस्टर। तो अब मान लो कि अगर कॉलेज में कोई वैकेंसी आ रही है, 10 10 पूरी सीट है, और वैकेंसी आई 1 साल, क्योंकि अगर सामान्य भर्ती भर ली गई है तो वैकेंसी आ रही है चौथे नंबर पर, तो ये सीट जाएगी SC ST को, एक वैकेंसी है, तो क्योंकि सिस्टम रोस्टर चल रहा है। अगर वैकेंसी मान लो कि छठे नंबर पर आ रही है, ये वैकेंसी छठे नंबर की, 5 नंबर की वैकेंसी भर ली गई है, और अगले साल छठे नंबर की आई, तो ये किसको मिलेगी, ओबीसी को। ऐसे ही आपने देखा कई बार एडवर्टीजमेंट आते हैं कि ये सीट ओबीसी का। और हाँ, क्योंकि क्योंकि यूपीएससी में जहां इकट्ठे भर्ती होती है वहां रोस्टर का सिस्टम होता ही नहीं, लेकिन जहां ऐसे टुकड़ों टुकड़ों भर्ती होती है वहां रोस्टर चलता है। रोस्टर का सीधा मतलब है आरक्षण का टुकड़ा, आरक्षण का हिस्सा सभी में क्रमिक रूप में बांट देना। क्रमिक रूप में इसलिए बांट देना, इकट्ठे वैकेंसी आती नहीं, और इकट्ठे वैकेंसी नहीं आएगी तो मान लो कि 2010 में 2012 में झगड़ा हो जाएगा, लोग कहेंगे भाई 2010 में किसको दिया जाए, 12 में किसको दिया जाए। एक तालिका बना, रोस्टर का तालिका, ऐसे आप समझ लो तालिका, सूची कि हम किस कैटेगरी को किस वर्ष कौन सी सीट देंगे, यही रोस्टर। अब बात दोस्तों थोड़ा निष्कर्ष पर आ जाए, नहीं आरक्षण के विवाद हमने खत्म कर दिए, ये सारे मुद्दे हैं, और बात केवल निष्कर्ष पर आ जाए। और बच्चों मामला ये है कि देखो उदारीकरण का जमाना है, वो वर्गीकरण का जमाना है,
आरक्षण तो सामाजिक न्याय का उपकरण है, लेकिन हकीकत की बात है कि हमें थोड़े व्यापक उपाय सोचने पड़ेंगे, क्योंकि उदारीकरण निजीकरण के जमाने में, एयर इंडिया प्राइवेट जमाने में आ गई, इसलिए हर बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, उनको शिक्षा की सुविधा अच्छी हो, स्वास्थ्य सुविधा अच्छी हो, जिससे वो प्राइवेट सेक्टर में भी कॉम्पीट कर सके। बच्चों प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां उसकी संख्या, सीट की संख्या से फिक्स होती नहीं। प्राइवेट कंपनी जब चाहेगी रखेगी, जब चाहेगी निकालेगी पहला, और प्राइवेट कंपनी कुशलता के आधार पर काम करती है। विडम्बना सोचो, IIT में हमने रिजर्वेशन दे दिया, लेकिन IIT से पढ़ने के बाद सरकारी कंपनियां है ही नहीं है, तो नौकरी बच्चों को कहाँ मिलेगी? बाहर तो कंपटीशन है। इसलिए प्यारे बच्चों, देखो पॉलिटिक्स इससे न किया जाए, क्योंकि हमें देश का विकास करना है, दीर्घकालिक रणनीति अपनानी पड़ेगी। आरक्षण के अलावा भी ऐसे मामले सोचे, और दुर्भाग्य की बात यह है सरकारी नौकरियां कम होती जा रही है। हमारे राजनेता ऐसे दावा कर रहे हैं सबको आरक्षण दे देंगे, सबको आरक्षण दे देंगे, ये ठीक है नहीं। और हकीकत की बात है, UPSC को छोड़ दिया जाए तो इतनी बड़ी वैकेंसी आज की डेट में और किसी मामले में अभी नहीं रही है, और आएगी भी 10 साल बाद, इतनी रहेगी नहीं रहेगी विवाद का विषय है। और हमें तो पीढ़ी को सोच रहे हैं 50 साल के लिए। इसे निष्कर्ष ये है दोस्तों कि आरक्षण एक सामाजिक न्याय का मुद्दा है, उसे राजनीति का हथकंडा न बनाया जाए, और आरक्षण के साथ साथ वंचित वर्गों को उठाने के लिए व्यापक प्रयास होने चाहिए। केवल आरक्षण ही पर्याप्त नहीं, आरक्षण एक माध्यम है, एकमात्र माध्यम नहीं। तो दोस्तों, आज हमने इस रिजर्वेशन की सारी बहस खत्म कर दी, बाकी अब फिर हम आगे मिलेंगे कल। कल एक समानता में जो ना 6, 17, 18 बता देंगे, बड़ा सिंपल सा है, और फिर विवाद होगा 19 में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।